वेलकम दोस्तों, बमराड़ी गेमर में आपका स्वागत है। आज हम क्या बनाने वाला है, आप इस क्लिप में देख सकते हो। पीसी में लोग इतना बढ़िया खेल सकते हैं। दोस्तों, मैं इसे आज ट्राई करने वाला हूँ। देखता हूँ कि मोबाइल में खेलना कितना मुश्किल है। जो भी चैनल पर नए हैं, वो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब टाइम है हमारा इसे बनाने का। वाह, कितनी अच्छी लोकेशन ढूंढी है, बिल्कुल बादलों के ऊपर। आप इस क्लिप का मजा लीजिए दोस्तों, तब तक हम काम को शुरू करते हैं। और यह हमारा पेड़ के ऊपर बेस तैयार हो गया है। अब ऑब्जर्वर की दीवार खड़ी करनी बाकी है। माइनक्राफ्ट एंड्रॉयड गेम में उतना बढ़िया नहीं है, यहां ब्लॉक को ही लगाना मुश्किल है। ओह माई जीज़स क्राइश, माफ करना दोस्तों, बहुत टाइम लग रहा है। इधर से प्लेस करूं या उधर से प्लेस करूं, काम करते हम पता नहीं कब अंधेरा। रात में रोशनी के लिए होलोविन पंपकिन क्यूब लिया ताकि बढ़िया उजाला हो। अगली सुबह हुई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहां काम में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो इसे कैसे भी फिट कर रहा हूँ, और मैंने इसे कंप्लीट भी कर लिया। और अब इसके ऊपर एलईडी लगाता हूँ। ये कोई कोई ब्लिंक क्यों कर रही है, ऑब्जर्वर पूरा भरने ही वाला है। और ये फाइनली कंप्लीट हुआ। हाँ बिल्कुल एलईडी टीवी जैसा है दोस्तों, अब इसके ऊपर डिस्प्ले लगाना होगा। और ये हमने काम शुरू कर दिया। माफ करना दोस्तों, वीडियो को सकीफ करना पड़ता क्योंकि माइनक्राफ्ट एंड्रॉयड में इतने बेहतर नहीं चलता। फाइनली डिस्प्ले भी कंप्लीट हुई। टाइम बहुत लग रहा है कि दूसरा दिन भी ढलने लगा। कुछ गड़बड़ को ठीक किया जाए। और अब अंधेरा चरम पर है। वीडियो के देखा देखी मैं इसे फिट कर रहा हूं दोस्तों, या तो मेरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगा या फिर फुस्की निकलेगा। यह क्या ए रेडस्टोन डस्ट, रेडस्टोन रिपीटर, मैंने आज ही इससे हाथ लगाया, तभी कुछ सीखने को मिला। फाइनली दोस्तों, हमारे सर्किट भी तैयार है, बस अब इन्हें ऑन करना बाकी है। और अब ये ऑन हुआ, अब देखता हूं। अरे यह क्या वर्क नहीं किया, फिर से लगाऊं, क्या मिसिंग रह गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। जैसा मन किया मैंने ऑब्जर्वर को वैसे ही लगा दिए। हां, चारों तरफ जलते हुए क्यूब लगाने होंगे। पर यह क्या उटपटांग रोशनी, माफ करना दोस्तों, उस वीडियो के तरह में इसे नहीं कर पाया। आखिरी एक्सपेरिमेंट भी फेल ही रहा। अगली सुबह भी हो चुकी है, पर काम अभी भी अटका हुआ है। ये देखकर लग रहा है जैसे इसकी डिस्प्ले खराब हो चुकी है। मैं सोच रहा हूं कि यहां थोड़े और चेंजेस किए जाए, क्या पता शायद काम बन जाए। अरे नहीं, अभी भी वैसा ही है। क्या यहां टीएनटी फिट करूं, क्या बात है, सारा ही एकदम जल गया। अरे नहीं, ये तो सारा खराब हो गए, माफ करना दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको पूरा ही उड़ा देता हूं। ये बढ़िया, सब साफ। आपके हिसाब से यहां पर मैंने कुछ बनाया होगा। ओके गाइस, अब टाइम हो चला है आपसे विदा लेने का। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।